चारधाम यात्रा में आए तीर्थयात्रियों को यात्रा संचालन कर रही निजी कंपनियों द्वारा किराए के मकान पर शोषण उत्पीड़न के खिलाफ उड़ीसा पश्चिम बंगाल से आए तीर्थयात्रियों ने पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा, पूर्व ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण प्रधान के नेतृत्व में गोविंद भवन प्रांगण में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से संयुक्त रूप से मांग की। चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूल करने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाकर कानूनी कार्यवाही की जाए। तीर्थयात्रियों ने आरोप लगाया उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रचार प्रसार कर उत्तराखंड चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों के बेहतर सुविधा के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धर्म नगरी हरिद्वार में चारधाम यात्रा के पंजीकरण शिविर में बैठने तक की व्यवस्था के साथ मूलभूत सुविधाएं दूर की कोड़ी साबित हो रही है। चाहता हूँ की तमाम जितना भी तीर्थ श्रद्धालु हरिद्वार के अंदर आगमन कर रहा है और चारधाम यात्रा के लिए जा रहा है, उसकी सुविधाओं के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि जितने जनप्रतिनिधि हैं सब माल्य अर्पण में बिजी हैं, स्वागत के कार्यक्रम हैं, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, महामहिम राज्यपाल से निवेदन करना चाहता हूँ कि चारधाम यात्रा की फिर निगरानी करें। और चारधाम यात्रा की निगरानी की आवश्यकता है। आज सुरसा की भांति ट्रांसपोर्टर जो हैं पैसे बढ़ा रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है किसी प्रकार का भी। 10-10 हज़ार रुपये के अंदर टेम्पू ट्रैवल प्रत्येक दिन के लिए मिल रहा है, कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सबसे पहले चारधाम यात्रा की समीक्षा करें और रेट निर्धारित करें, न्यूनतम रेट निर्धारित करें, और जिसमें इंक्लूड कमीशन भी उसमें साथ के साथ एजेंट का हो। आज की तारीख में उस बाइक 6500 रुपये प्रत्येक सीट का, और पिछली आप 21 के अंदर देखेंगे तो 3x2 3800 रुपये में थी, 3800 रुपये की सीट थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ट्रैवल व्यवसायी हैं, जो हमारे कमीशन एजेंट हैं, वो किस रेट में किसको यात्री को बुक करेंगे। यात्री आता है वहाँ से, अब उड़ीसा से ये दल आया हुआ है और पूरे 2 महीने से यहाँ पर टिका हुआ है, और अब उनका जाने का समय भी है, 4 दिन उनको यात्रा करनी है। और जब ये आए थे उस टाइम यात्रा का जो रेट था वो 3800 रुपये था, ज़्यादा से ज़्यादा 3900 हो जाए, 4000 हो जाए, लेकिन 6000 अगर होगा उसका तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार के अंदर 2 एजेंसी हैं, एक यातायात और दून बेली, इनकी मनमानी कतई हम चलने नहीं देंगे। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी चेतावनी है कि 2 दिन के अंदर अंदर इसका सुधार कर लें, और नहीं तो मैं पर्यटन कार्यालय का घिराव करूंगा और अनिश्चितकालीन रूप से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने का काम करूंगा। किसी भी तीर्थयात्री का शोषण नहीं होने दूंगा, किसी भी तीर्थयात्री का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा, क्योंकि यदि अगर तीर्थयात्री का शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, तो हमारा राज्य बदनाम होता है, हमारा शहर बदनाम होता है। मैं कहना चाहता हूँ बड़ी मुश्किल से चारधाम यात्रा धरने पर आई है। अरे खुशी की बात होनी चाहिए कि चारधाम यात्रा धरने पर आई है। हमारी वो सभ्यता कहाँ चली गई उत्तराखंड की, जब तीर्थयात्री आता था उसके पांव धोते थे, तीर्थयात्री आता था उसको भोजन कराते थे, तीर्थयात्री आता था उसको रात को अपने घर में सुलाते थे। वो कहाँ गई हमारी सभ्यता। मैं कहना चाहता हूँ हमारा जो राज्य है वो पांडवों का राज्य है। मैं कहना चाहता हूँ पांडव सभ्यता कहाँ चली गई। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वो पांडवी सभ्यता दोबारा लौट के आनी चाहिए उत्तराखंड के अंदर। और आज आप